हेलो इंजीनियर्स, तीसरे प्रशांति। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, मतलब आपको खुद ही बनाना होगा। बहुत ही इजी एक सर्किट से हमने इसको बनाया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली आप देख सकते हैं कि हमारे जो घर पे हम लोग जो MCP लगाते हैं वो हम लोग AC पे लगाते हैं, ताकि कोई शॉर्ट कनेक्शन हो या फिर कोई ओवर वोल्टेज हो तो MCB ऑटोमेटिकली ये डाउन हो जाता है। तो ये तो AC का है। तो आज का जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो एक्चुअली DC का है। DC 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 6 वोल्ट का आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये एक DC MCP है, तो इस पर हम लोग आसानी से अगर शॉर्ट कनेक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डाउन हो जाएगा और आपका बैटरी भी कोई खराब ही नहीं आएगा। तो ये जो MCP है ये एक DC MCP है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं, इसके ऊपर आज का वीडियो है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इजी है और आप लोग भी ये वीडियो देखने के बाद आसानी से घर पे बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। द स्पॉन्सर ऑफ वीडियो JLCPCB। नया PCB के लिए गर्बर फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर PCB। अच्छे क्वालिटी PCB के लिए JLCPCB। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये सर्किट एक MCP है, 12 वोल्ट का MCP। तो इस पर हम लोग अभी रीसेट बटन जो कि दबाएंगे, दबाने के बाद ये LED बंद होके ये वाला LED ग्लो करेगा और आउटपुट पे इसको दे देगा। तो ये LED हम लोगों का LED जो 12 वोल्ट का LED है वो ग्लो करने लगेगा। तो रीसेट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक ग्लो करने लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे कोई शॉर्टेज होगा, शॉर्ट कनेक्शन होगा, तो बैटरी का कोई नुकसान नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक ये LED कट होके यहाँ पे चला आएगा, मतलब कट कर देगा ये लाइन। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लगाने के बाद देखा आपने, ऑटोमेटिक कट करके यहाँ पे चला आया। तो LED यहाँ पे बंद हो गया, मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है अभी। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से एक जो कि MCB बना सकते हैं 12 वोल्ट का। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो रीसेट बटन पे क्लिक करने के बाद ये कनेक्शन आ जाएगा। तो कनेक्शन आ गया है अभी। तो अभी बहुत ही इजी से अगर आप इस पर शॉर्टेज करेंगे तो ये कट कर देगा। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हमने किस प्रकार से बनाया है आइए देखते हैं। बहुत ही इजी है और छोटा सा एक सर्किट है। आप चाहे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट दे सकते हैं, 6 वोल्ट का दे सकते हैं और 24 वोल्ट का भी आउटपुट दे सकते हैं। वो किस प्रकार से देते अगर पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो अभी चलिए इस सर्किट को हम लोग बना के देखते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से ये सर्किट हम लोग काम कर सकते हैं और इसका जो बैटरी कनेक्शन वो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आउटपुट होगा, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। तो अभी चलिए एक दफा इसको हम लोग सर्किट को देख लेते हैं, उसके बाद सर्किट को देखने के बाद हम लोग इस PCB को हम लोग असेंबलिंग करेंगे। तो चलिए पहले सर्किट को देख के उसके बाद हम लोग इसको असेंबलिंग करते हैं। कंप्लीट हो गया है। तो अभी इस पर टेस्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अपने ने दो जो कि LED हमने लगाया है, आप देख सकते हैं, एक जो है अगर शॉर्ट हो जाएगा तो ये ग्लो करेगा, अगर डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इनपुट लेंगे और यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। तो अभी हम लोग आउटपुट पे एक 12 वोल्ट का जो कि लाइट है इसको हम लोग लगाएंगे आउटपुट पे। तो लगाने के बाद इनपुट पे हम लोग जो कि 12 वोल्ट इनपुट देंगे। तो अभी इसको लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया है 12 वोल्ट का और यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट दे के एक LED पे लगा दिया जो कि 12 वोल्ट का LED है। तो इसमें से आप लोग 12 वोल्ट का आउटपुट ले सकते हैं, 6 वोल्ट का आउटपुट ले सकते हैं या 24 वोल्ट का भी आउटपुट ले सकते हैं।
लेकिन इस पे सिर्फ चेंजेस करना होगा, ये जो रिले आप देख रहे हैं इस रिले को चेंजेस करना होगा। अगर 12 वोल्ट का आउटपुट लेंगे तो 12 वोल्ट का रिले लगाना होगा, अगर 24 वोल्ट का लेंगे 24 वोल्ट का रिले लगाना होगा, अगर 6 वोल्ट का लेंगे तो 6 वोल्ट का रिले लगाना होगा। तो अभी हम लोग पावर देते हैं, तो पावर देने के बाद देखिए ये रेड कलर एलईडी ग्लो करने लगा, तो इस पे से आउटपुट नहीं है अभी, क्योंकि ये अभी शॉर्ट कनेक्शन हुआ है। तो अभी जब भी इस पे रिसेप्टिव जो कि बटन दबाएंगे तो ये एलईडी ग्लो करेगा, ये एलईडी बंद हो जाएगा और साथ में ये एलईडी भी ग्लो करेगा। तो देखा आपने ये ग्लो करने लगा, तो जब भी इसमें कोई शॉर्टेज होगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइन कट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा लाइन, ठीक है। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं, तो अभी हम लोग इसको शॉर्टेज करेंगे, तो शॉर्ट करने के बाद ऑटोमेटिक कट होके यहाँ पे आ गया है, देखा आपने। तो इस प्रकार से जो कि आपके 12 वोल्ट का बैटरी भी डाउन नहीं होगा, कोई खराबी नहीं होगा, ये जो MCP है वो बहुत ही आसानी से काम करेगा। तो फिर से हम लोग रिसेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो जब भी इस पर हम लोग शॉर्ट कनेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक कट कर देगा और बैटरी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस जो कि कनेक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे जो कि बैटरी से। तो हमारे पास तो AC का जो कि MCP है, तो हम लोग 12 वोल्ट का MCP हम लोग आसानी से घर पे खुद ही बना सकते हैं इसी सर्किट के माध्यम से। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा इस सर्किट का डायग्राम और सभी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखा आपने किस प्रकार से ये सर्किट हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं बहुत ही इजी से। तो ये वीडियो देख के आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।